हो जाएंगे, अभी ही हम ढीले ढाले और हम ये सोचे यार अभी तो जिंदगी पड़ी है, तो वो पड़ी जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी पड़ी नहीं है, वो पड़े पड़े गुजरेगी जिंदगी, है ना। जिंदगी बिल्कुल पड़ी नहीं है, आगे जाके पड़ जाना पड़ जाएगा जिंदगी में, कि फिर पड़े पड़े काटोगे बिस्तर पे। जो कहते हैं ना कि अरे अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, बोले पड़ी नहीं है, आगे जाके तुम पड़ जाओगे अगर अभी काम नहीं किया तो, है ना। तो जो काम जवानी बुढ़ापे में, जो वर्जिश आपने गेन की, है ना, बॉडी एक्सरसाइज करी, तो भाई जाहिर बात है जो बॉडी की दिक्कतें आती हैं उस एज में, क्योंकि उस एज में इम्यूनिटी कम होती है ना भाई, अगर थोड़ी ज़्यादा एज हो गई तो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, पतन होगा कुछ कुछ चीज़ों का, है ना। एक्सरसाइज अगर आपने अभी नहीं करी तो असर बाद में दिखेगा। उसी तरह से रियाज भी वही काम है, जितना रियाज आपने बचपन में कर लिया, शुरुआती दौर में कर लिया, गले को मजबूत बना लिया, फिर बाद में अगर रियाज में कमी भी आ जाती है ना, फिजिकल एक्सरसाइज करने में थोड़ी कोताही आप बरत देते हैं या किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं, तब भी गला जो है बना रहता है। पंडित अवध किशोर पांडे, मास्टर निषाद, डॉक्टर हिमजा, डॉक्टर हरिजा, डॉक्टर आकांक्षा और भी बहुत सारे योग्य गुरुओं के द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मेरे पिताजी ने जब मैंने रियाज शुरू किया तो मुझे पहले ही दिन ये बात बोली थी कि अगर सवेरे रियाज करोगे उसका असर तुम्हें शाम में मिलेगा। तो ये मैंने बोला, मैंने कहा ये कैसी विचित्र बात है कि सवेरे रियाज कर रहा हूं उसका असर मुझे शाम में मिले। तो उसको एक एनालॉजी, एक एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया था कि जीवन यही है, जितनी मेहनत, जितनी वर्जिश, जितना ज्ञान का लेना आप बचपन में करते हो, आपका वो जवानी में मदद करता है, और जितना जवानी में लेते हो वही आपके बुढ़ापे में हेल्प करता है। जिन्होंने बचपन और जवानी में अच्छी एक्सरसाइज करी होती है, अच्छा खाया होता है, हेल्थ पर ख्याल रखा होता है, ज्ञान का ख्याल रखा होता है, उनको बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हम अगर अभी ही लाउजी हो जाएंगे, अभी ही हम ढीले ढाले और हम ये सोचे यार अभी तो जिंदगी पड़ी है, तो वो पड़ी जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी पड़ी नहीं है, वो पड़े पड़े गुजरेगी जिंदगी, है ना। जिंदगी बिल्कुल पड़ी नहीं है, आगे जाके पड़ जाना पड़ जाएगा जिंदगी में, कि फिर पड़े पड़े काटोगे बिस्तर पे। जो कहते हैं ना कि अरे अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, बोले पड़ी नहीं है, आगे जाके तुम पड़ जाओगे अगर अभी काम नहीं किया तो, है ना। तो जो काम जवानी बुढ़ापे में, जो वर्जिश आपने गेन की, है ना, बॉडी एक्सरसाइज करी, तो भाई जाहिर बात है जो बॉडी की दिक्कतें आती हैं उस एज में, क्योंकि उस एज में इम्यूनिटी कम होती है ना भाई, अगर थोड़ी ज़्यादा एज हो गई तो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, पतन होगा कुछ कुछ चीज़ों का, है ना। एक्सरसाइज अगर आपने अभी नहीं करी तो असर बाद में दिखेगा। उसी तरह से रियाज भी वही काम है, जितना रियाज आपने बचपन में कर लिया, शुरुआती दौर में कर लिया, गले को मजबूत बना लिया, फिर बाद में अगर रियाज में कमी भी आ जाती है ना, फिजिकल एक्सरसाइज करने में थोड़ी कोताही आप बरत देते हैं या किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं, तब भी गला जो है बना रहता है। ये खास बात है। जैसे मेरे गुरुदेव हैं, वो आज उनकी उम्र 60 प्लस हैं, लेकिन स्टिल वो गा सकते हैं और बहुत बेहतरीन गाते हैं क्लासिकल। वो ऐसी ऐसी ताने मारते हैं गले से जो हमारे नहीं आती हैं, है ना। हम तो यंगस्टर्स हैं, हमारे नहीं आती, या उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ज़्यादा सीखे हुए हैं, उनके गले में भी वो दम नहीं आ पाता है जो गुरुजी की 60 की उम्र में वो वजन है गले में, जबकि वो रियाज नहीं कर पाते हैं, उनका शेड्यूल नहीं है, नौकरी के चक्कर में और परिवार के चक्कर में वो खुद सवेरे बैठ नहीं पाते हैं, तब भी वो बात है। तो वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक रेगुलर किया है। तो ये चीज़ उन्होंने मेरे को जब एनालॉजी दी, एग्जांपल दिया, तो जाहिर बात है कौन समझा है फकत बातों से, तो मैंने सुन लिया एक बार। मैंने कहा ठीक है, पिताजी कह रहे हैं तो होता होगा ऐसा, है ना। अब मैं भी तो उस समय यंग ही हूँ ना, तो मुझे क्या मालूम कि बुढ़ापे में वो चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। पर अब क्योंकि मैंने गुरुजी को देखा, लाइव एग्जांपल देखा, या ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हैं, जसराज जी को देख लीजिए, भीमसेन जोशी जी को देख लीजिए, आप रफ़ी साहब को देख लीजिए, या लता जी को देख लीजिए, एक उम्र आने तक भी ये लोग गाते रहे। ये ताज्जुब की बात है कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी एज होने के बावजूद ये गा पा रहे हैं, है ना। तो वो बात यही है, क्योंकि जवानी और बचपन में घिसा है अपने आप को, खूब घिसा है। कौशिकी जी को देख लीजिए, अजय चक्रवर्ती जी को देख लीजिए, आज भी गा पा रहे हैं वो, है ना। तो वो कैसे गा पा रहे हैं? क्योंकि बचपन जवानी इसी में बिताई और कुछ नहीं किया, सिर्फ रियाज किया, घिसा अपने आप को, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल्स देखे, और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने खुद ने उसी दिन, पहले ही दिन महसूस कर लिया, जिस दिन मैंने पहली बार रियाज किया सवेरे का, उसी दिन मैंने खुद ने ये चीज़, सवेरे पिताजी ने बोली ये बात, और शाम में जब मैंने गाया तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने जाया, मैं जाकर पिताजी के चरण स्पर्श करके मैंने बोला, मैंने कहा आप सही बोल रहे थे, ये हुआ। मैंने जो सवेरे रियाज किया, मैं अभी गा रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है।
उससे पहले मेरे पिताजी मुझे बड़ा प्रेरित करते थे कि भाई सवेरे उठो, आ जाया करो, चलो हमारे साथ, क्यों खुद तो जाते थे वो मतलब जहाँ हमारा म्यूजिक इंस्टीट्यूट था वहाँ पर, कि वहाँ कर दूसरे बच्चों को। मैं आलस करता था, छोटा भी था, मैं जाता भी नहीं, कभी आना कानी करता, कभी जाता कभी नहीं जाता, है ना। तो जब पता नहीं क्या हुआ एक दिन और मैंने चला कि चलो यार चलते हैं एक बार, देखें तो सही क्या होता है। उससे पहले भी मैं गाता बजाता था, ऐसा नहीं है, ठीक गा लेता था, ठीक है थोड़े बहुत सुर में थे, लेकिन नहीं थे, कुछ थे कुछ नहीं थे, पर रियाज नहीं करते थे। रियाज करना और गाना दोनों में फ़र्क होता है। आपको यूँ लग रहा हो कि सिंगर अच्छा गा रहा है इसका मतलब रियाज भी करता हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। गले का चलना रियाज पर निर्भर नहीं करता, वो तो आप गाने गाने लग जाओ तो गाने गाता है, कोई भी गाता है, हर कोई गा सकता है, एक पागल भी गुनगुनाता है ना भाई, रस्ते चलते हम गाते हैं, और अगर गाने गाने लगोगे तो गाने आ जाएंगे, गाने आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रियाज करना इट्स अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। रियाजी गला और एक आम इंसान का गला, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, और वो हर किसी को नहीं मालूम चलता है। वो जिसके कान मजबूत होते हैं, जो संगीत के कान है, वही पहचान सकता है, ठीक है। तो मैंने खुद ने वो चीज़ महसूस करी कि सवेरे रियाज किया तो उसका असर मुझे शाम में मेरी गायकी में नजर आया। जैसे ही मैं कुछ गाने लगा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, अचानक थोड़ा सा गाया और मुझे खुद को लगा, मैंने कहा अरे ये कैसे गा रहा हूं मैं, ये मेरी वोकल टोन को क्या हो गया, ये पंच कहां से आ रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में इतना असर हो जाएगा कि मेरे में सुरीला हो जाऊंगा, मेरे अंदर सरस्वती विराज जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन कुछ इतना सा असर अंश आपको महसूस होगा। तो जिस दिन आप करेंगे ना सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, उस दिन अगर आपने कुछ गाया भी, इनफैक्ट कुछ बोला भी ना शाम में, अगर जो जो मैंने तरीका बताया, क्राइटेरिया बताया, उससे किया, तो आपको अपने आप लगेगा यार कुछ तो इजाफा हुआ यार, यानी इसका फायदा तो होता है। विश्वास, ये वो वाली बात है घड़ी डिटर्जेंट वाली, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो मैंने इस्तेमाल किया और विश्वास अपने आप हो गया, ठीक है।